हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्वीकार के बारे में, स्वीकार का जादू। जिंदगी में हम काफ़ी बार और काफ़ी जगह अटक जाते हैं और वहाँ समझता नहीं कि करना क्या है। जैसा कि हम हमारे वर्तमान काल जो है उसमें फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वहाँ से रास्ता दिखता नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, और वहाँ कोई चॉइस नहीं रहता। मतलब ये करूँ कि ये करूँ, ऐसा कोई चॉइस नहीं रहता। जो है सामने वो है, उसको फेस करना पड़ता है। कोई पास के बारे में, अतीत के बारे में, भूतकाल के बारे में कुछ घटनाएं होती रहती है, कुछ चीज़ें होती रहती है, उसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चालू रहता है कि ये होना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा रहता था, मगर वो हो चुका है। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं कि उनके बारे में हमारे दिमाग में चालू रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, जैसा पत्नी ऐसी क्यों करती है, या भाई ऐसा क्यों करता है, या बेटा ऐसा क्यों करता है, बेटी ऐसी क्यों करती है, मेरा स्टाफ ऐसा क्यों करता है। मतलब काफ़ी लोगों के साथ में हमारी अनबन हो जाती है, हम वहाँ अटक जाते हैं कि करना क्या, समझ में नहीं आता। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि परिस्थिति को मतलब उसको समझ लो और उसको बदलने की कोशिश करो। लोग तो बदलने वाले हैं नहीं, परिस्थिति हम बदल सकते हैं। परिस्थिति कुछ बदल दिया है ना, वस्तु स्थिति परिस्थिति कुछ बदल सकते हैं तो बदलो, और समझो नहीं बदल सकते हैं तो उसका स्वीकार कर लो। क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके सामने दूसरा है क्या चॉइस, वो तो करना ही पड़ेगा। तो जो परिस्थिति में बदल सकता हूँ वो बदलना चाहिए, जो परिस्थिति में बदल नहीं सकता उसका स्वीकार करना चाहिए, और वो मैं करता हूँ तो मैं मेरी ज़िंदगी खुशी के साथ में, शांति के साथ में, आनंद के साथ में जीवन जी सकूँगा। तो उसको स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बदल नहीं सकते तो स्वीकार करो। जैसा मैं हरदम एक एग्जांपल देता हूँ कि दो बहनें थी जुड़वा, एक को हुआ डायबिटीज़ और दूसरों को भी डायबिटीज़ हुआ। पहली को डायबिटीज़ हुआ तो वो रोज़ डिस्टर्ब रहती थी, मनस्थिति उसकी ठीक नहीं थी, शिकायत करती रहती कि मुझे भगवान ने डायबिटीज़ क्यों दिया, मैंने क्या पाप किया था, मेरा नसीब ख़राब है, मेरे पिताजी माताजी ने बराबर केयर नहीं लिया, इसलिए डायबिटीज़। मतलब कुछ ना कुछ चालू रहता था, और वो रोज़ वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेती थी। दूसरी उसकी बहन, जुड़वा बहन, उसको भी डायबिटीज़ हुआ, मगर वो खुशी खुशी इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही। बोले भगवान ने मुझे डायबिटीज़ दिया, तो भगवान ने उसकी व्यवस्था भी कर लिया कि मैं इंजेक्शन लूँ इंसुलिन का और मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में रखूँ। तो बताइए अभी कि दो बहनों में से कौन सी बहन का डायबिटीज़ जल्दी ठीक हो जाएगा या कंट्रोल में रहेगा? उसका जवाब है नंबर दो, जो बहन है उसका ही, क्योंकि वो खुशी से स्वीकार है, उसने किया डायबिटीज़ का, और वो आराम से इंजेक्शन ले रही, दवाई ले रही, और उसने स्वीकार करके वो जीवन जी रही है। तो ऐसी काफ़ी बातें रहती है, किसी को उनका डायबिटीज़ मंजूर नहीं है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और उसमें वो मतलब दिमाग में अशांति रहती है, किसका ब्लड प्रेशर है, किसका हार्ट की बीमारी है, किसको गंजापन है, बाल नहीं है, किसका हाथ पैर टूटा हुआ है एक्सीडेंट में, किसकी बीबी ठीक नहीं है, जो भी उसको चाह मतलब जैसी चाहती वैसी बीबी नहीं है, किसका हस्बैंड ठीक नहीं है, किसका बेटा ठीक नहीं है। तो जो ठीक नहीं है उसको एक तो बदलो, और वो हमारे हाथ में नहीं बदलना, तो फिर नहीं बदल सकते, तो जो ऐसा है वैसा स्वीकार करो। वो जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करना है। खुद को भी स्वीकार करो। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, या मैं गंजा हूँ, या मेरा चेहरा बराबर नहीं है। तो खुद का स्वीकार करना, परिस्थिति का स्वीकार करना, अतीत का स्वीकार करना, लोगों का स्वीकार करना, आपकी बीमारी का स्वीकार करो, जो भी है उसका स्वीकार यदि हम करते हैं तो हम आनंद से, शांति से जीवन, खुशी से जीवन जी सकते हैं। तो ये स्वीकार का जादू है कि क्षण क्षण में, और ये हमको क्षण क्षण में स्वीकार करना पड़ता है, जो सामने आ रहा है उसका स्वीकार करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और नहीं तो उसके ऊपर जो भी कर सकते वो करो। और स्वीकार करना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ देना, स्वीकार करना ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं मजबूर हूँ करके मैंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार का ये मतलब होता है कि जैसा है वैसा मैंने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है,
और अभी मुझे जो भी करना है, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैंने करना चाहिए, जो भी एक्शन मुझे लेना है वो लेना चाहिए, ताकि मुझे जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे। लोगों को अपने अपने नौकरी के बारे में शिकायत है और उसका स्वीकार नहीं करते और अनबन रहती है कि नौकरी में क्यों जाना चाहिए, तनख्वाह कम मिलता है, मैंने वहाँ क्यों काम करना चाहिए। लोगों को अपना धंधा पसंद नहीं है कि नहीं मैं धंधा में ये धंधे में क्यों आया, और उसके बारे में वो स्वीकार करते नहीं है। लोगों को अपना शहर जो है वो स्वीकार नहीं है कि मैं ये छोटे शहर में आ गया, कोई बोलते मैं बड़े शहर में आ गया। तो जो भी करना है वो करो ना, चिल्लाना क्यों है। तो जो भी आपके सामने है उसका चॉइस करना, उसका स्वीकार करना और खुशी से स्वीकार करना, और उसके बारे में जो भी एक्शन लेना वो लेते हैं, तो अपना जीवन हम आनंद से जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं, शांति से जी सकते हैं, और एक जीवन जीने में सचमुच बहुत मजा आएगी। क्योंकि लोगों को अपने पिताजी मंजूर नहीं है, नहीं मेरे पिताजी ऐसे नहीं होने चाहिए थे, तो पिताजी को लगता है कि मेरा लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिताजी बदल तो सकते नहीं है, तो जो पिताजी है उनका स्वीकार करना जरूरी है। लड़का तो बदल सकते नहीं है, तो जो लड़का है जैसा है वैसा है उसका स्वीकार करना जरूरी है। तो जो भी हमारे सामने व्यक्ति है, वातावरण है, परिस्थिति है, जो भी है उसका स्वीकार करो, और जो भी एक्शन हम ले सकते हैं उसके लिए वो कृति करो, वो एक्शन लो, ताकि हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काफ़ी सारे लोग अपने जीवन में जूझ रहे हैं इसके बारे में, है ना, डिस्टर्ब है। तो आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में, दोस्तों में ऐसे बहुत लोग होंगे कि जिन्होंने परिस्थिति का स्वीकार नहीं किया होगा, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनको आप शेयर करते हैं, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो शेयर करते हैं तो उनको भी इससे छुटकारा मिलेगा। उनका भी मन डिस्टर्ब है ना, अशांत है, तो उनको भी एक अच्छा जीवन, शांति का जीवन, खुशी का जीवन वो जी सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।